मतलब लेबर का तो मीनार गार्डन में 6 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ स्टॉल लगाए दिल्ली के लॉन्ग कफ्तान सूट, लॉन्ग स्कर्ट, टॉप्स, वाइट टॉप्स, ये दिल्ली का है जी। हाँ नहीं नहीं, ये तो विमल भैया थे, उनके लगाती थी भाई। अभी तो ये मेरे मैडम का है, फर्स्ट टाइम लगा रहे। हाँ लगाए थे जी, लगाए थे। नासिर भाई बहुत अच्छा रहता है, नासिर भाई की तरफ से यहाँ से 6 दिन तक है। कस्टमर का तो अभी थोड़ा नामपली चली ना, थोड़ा वो है। नहीं वो तो हो गई, मगर थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स है। सैटरडे संडे अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह चाहता। हाँ हाँ करते हम जो करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई भाई ये तो जमाने से कर रहे हैं हम मीनार गार्डन में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अतर वगैरह, परफ्यूम वगैरह जो भी है आपको, स्पेट्स वगैरह, वॉचेस है, रिस्ट वॉचेस है, जमाने से सेल है यहाँ पे, बहुत अच्छा है मीनार गार्डन से। ये 15 साल से हो रहा कंटिन्यू, नहीं मैंने 15 साल से मैंने हूँ, लेकिन जो भी करे अच्छा करे, मैं कंटिन्यू 3 साल से हूँ मैं। लास्ट टाइम भी था जी नासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भाई का मैनेजमेंट बहुत बेस्ट रहता, नासिर भाई का बेस्ट रहता जी। ऑफर क्या है, कस्टमर कैसा भी मिस न करते भाई, कस्टमर डिस्काउंट कर देते बस, ज्यादा से ज्यादा ऑफर तो कुछ ही नहीं है, पब्लिक का रेस्पॉन्स। नेक्स्ट टाइम मिलना इंशाल्लाह अच्छा रहता, कस्टमर बोल के वो हिसाब से काम करे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं बड़े मियां का परपोतरा बात कर रहा हूँ। मैं इस्माइल हुसैन बड़े मियां का बाप, 1954 पुरानी हमारी मिडिल टैंकमेंट पे दुकान है हुसैन सागर में। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मीनार गार्डन में लगाए। मैं 11 साल से कंटिन्यू हूँ मीनार गार्डन में। अपने कई तरीके के मटन और चिकन के वराइटीज मिलती है, चिकन कबाब, चिकन टिक्का कबाब, चिकन मलाई कबाब, चिकन रेशमी कबाब, चिकन तंदूरी कबाब, और मटन में मटन सीख कबाब, मटन बोटी कबाब, पत्थर का गोश्त, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा। आप आइए, आपकी फैमिली को लाइए, बहुत जायका है, खाइए। और रिजनेबल रेटों में है, जो हमारी शॉप का रेट है वो रेटों में यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप आइए खा के आप इसका मजा लीजिए। मेरा नाम कवलजीत सिंह है, मैं हर बार एग्जीबिशन लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं चंडीगढ़ से आता हूँ। मेरा पापड़ का शॉप रहता है और मैं ऑल इंडिया एग्जीबिशन करता हूँ। अभी मेरे पिछले साल भी इधर 1 मंथ पीछे मैंने करा था एग्जीबिशन, बहुत अच्छा एग्जीबिशन किया था। नासिर भाई से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उनका कस्टमर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कस्टमर का हमारे पास नई वरायटी आती रहती है, जैसे पिछली बार अभी रागी पापड़ आया था, इस बार कैशू गार्लिक पापड़ आया, कैशू का मसाला पापड़ आया, रागी कई आइटम आई है हमारे पास। अभी इसमें सबसे अच्छा जो आया वो कॉर्न पापड़ आया, जो चीज वगैरह होता है ना, जो चीज वगैरह मिलता है वो चीज बॉल्स वगैरह। अभी हम नेक्स्ट टाइम रमजान में लगेगा एग्जीबिशन, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वरायटी लाने की हम लोग ट्राई गेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। असलम खान और मेरे बड़े भाई नासिर अहमद खान, प्रोपराइटर ऑफ मीनार गार्डन। यहाँ पर अभी फैमिली एक्सपो चल रहा है पिछले 3 दिन से, और 3 दिन चलेगा संडे तक, मंडे तक। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैमाने पर पब्लिक आ रही है, और अभी इसके बाद सीधा रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल 21 मार्च से स्टार्ट होगा, 22 अप्रैल तक 1 महीने का एग्जीबिशन होगा, जिसमें 200 के करीब स्टॉल लगेंगे। ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल कितने आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टॉल लगेंगे, विद एंटरटेनमेंट, फूड कोर्ट, और विद फ्री पार्किंग फैसिलिटीज और इफ्तार की फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। आप सबसे गुजारिश है कि जरूर तशरीफ लाइए, और इवन फॉर मोटर बाइक फ्री पार्किंग, वैलेट पार्किंग अवेलेबल है। अभी जो एक्सपो लगा है उसमें 100-125 स्टॉल लगे हुए हैं फैमिली। यहाँ पर दिल्ली से, मुरादाबाद से, लखनऊ से, हर जगह से, गुजरात से, ऑल ओवर कंट्री, इंडिया से स्टॉल्स आए हुए। स्टॉल की बुकिंग तो पूरी 1 महीने पहले ही हो जाती है, क्योंकि काफी डिमांडेड एग्जीबिशन होती है, ये लोग 1 साल से इंतजार करते हैं इसका बुकिंग का, तो फरवरी में इसकी बुकिंग हो गई। स्टॉल्स पूरे सोल्ड आउट है। अभी इसकी एक्सपो की दोपहर से 12 बजे से लेके रात के 11 बजे तक है, और रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल की जो टाइमिंग होगी 2 बजे से रात के 4 बजे तक है।
ये कब तक चलेगा फेस्टिवल? अभी मंडे तक है।